हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम एक कस्टम बिजनेस ईमेल आईडी को सेटअप करेंगे, वो भी फ्री में। सो देर आर लॉट ऑफ सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट, सो वो बहुत ही एक्सपेंसिव है और पेड है। सो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो भी फ्री में कैसे अचीव कर सकते हैं बिजनेस ईमेल सेटअप। ओके, सो अगर आपके पास ऑलरेडी वेबसाइट है तो, और आप ईमेल आईडी अपना प्रोफेशनल ईमेल आईडी क्रिएट करना चाहते हैं, तो इस मेथड को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास डोमेन नेम नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिंक पेस्ट किया है, उसके मदद से आप डोमेन को बाय कर सकते हैं। और ठीक है फ्रेंड्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट स्टेप है, इस प्रोसेस में आपके पास एक जीमेल आईडी होना चाहिए, सो ईमेल फॉरवर्ड करने के लिए, और आपको एक आपके पास डोमेन नेम होना चाहिए। सो अगर आपके पास डोमेन नेम है इसलिए तो ये वीडियो आप देख रहे हैं, राइट। सो इसके लिए आपको जाना है यहाँ पर माय अकाउंट और मैनेज योर गूगल अकाउंट, इसको आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन को एनेबल करना है, ये फर्स्ट स्टेप है। ओके, सो इसके लिए आपको सिक्योरिटी पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा टू स्टेप वेरिफिकेशन। ओके, मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और मैं अपना टू स्टेप वेरिफिकेशन एनेबल कर लेता हूँ। सो गेट स्टार्टेड। देन यहाँ पर आपको पासवर्ड, और इसको मैं वेरीफाई कर लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। और यहाँ पर पूछ रहा है मेरा फ़ोन नंबर। ओके, सो मैं इसको सेंड कर देता हूँ। सो मैं क्लिक ऑन नेक्स्ट। सो मैं इसको टर्न ऑन कर देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। सो मेरा यहाँ पर मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। सो मैं यहाँ पर वापस बैक जाता हूँ और मुझे जाना है यहाँ पर ऐप पासवर्ड। ओके, इसको क्लिक करना है और मुझे सेम प्रोसेस फिर से फॉलो करना है। सो यहाँ पर मुझे सेलेक्ट करना है अदर कस्टम नेम, ठीक है फ्रेंड्स। सो मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ बिजनेस ईमेल। ओके, मैं इसको जनरेट कर देता हूँ और यहाँ पर मुझे ये पासवर्ड इसको कहीं भी कॉपी करके रखना है, नहीं तो ये विंडो को आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने ऑलरेडी इसको कॉपी कर लिया है और नेक्स्ट स्टेप है, आपको जाना है सिंपली यहाँ पर न्यू टैब और गूगल पर लिखना है क्लाउडफ्लावर। ओके, सो क्लाउडफ्लावर के बारे में आपको पता ही होगा, सो एक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है। सो मैं इसको ओपन करता हूँ और लॉगिन कर लेता हूँ। और यहाँ पर यूजिंग माय पासवर्ड इसको लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर ऑलरेडी मेरा 3 डोमेन अवेलेबल है। ओके, अगर आपके पास न्यू डोमेन है सो इसके लिए आपको ऐड साइट पर जाना है, यहाँ पर आपको डोमेन नेम को ऐड करना है और आपको यहाँ पर दो नेम सर्वर मिल जाएंगे। ओके, दो नेम सर्वर को आपके डोमेन रजिस्ट्रार से कनेक्ट करना है। ओके, सो डोमेन रजिस्ट्रार से कनेक्ट करने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मेरा डोमेन रजिस्ट्रार से मैंने यहाँ पर कनेक्ट करवा लिया है मेरे इस डोमेन को makemyprojects.dev। ओके, सो कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर क्लाउडफ्लावर पर आना है और यहाँ पर आपको आपके डोमेन नेम पर क्लिक करना है।
सो यहाँ पर आपको एक मैसेज मिल जाएगा, ग्रेट न्यूज़, क्लाउड फ्लेयर इज़ नाउ प्रोटेक्टिंग योर साइट। ओके, अगर आपका डोमेन प्रॉपरली आपके रजिस्टर से कनेक्टेड है तो ये मैसेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स अवेलेबल हैं। सो यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो पर मेरा काम है कि ईमेल सेटअप करना। सो मैं यहाँ पर ईमेल पर जाता हूँ और यहाँ पर मुझे क्लिक करना है एनेबल ईमेल राउटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, सो मैं यहाँ पर ईमेल राउटिंग को क्लिक करता हूँ एनेबल। सो यहाँ पर आपको इस सारे रिकॉर्ड को आपके DNS पर कॉपी करना है, DNS पर ऐड करना है। ओके, सो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ ऐड रिकॉर्ड्स एंड एनेबल, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली DNS पर ऐड हो जाएगा। ओके, सो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। ग्रेट, अभी ये सारे रिकॉर्ड्स DNS पर ऐड हो चुके हैं। ओके, सो इसको वेरीफाई करने के लिए मैं DNS पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा रिकॉर्ड्स ऐड हो चुका है। सो नेक्स्ट प्रोसेस है, आपको जाना है ईमेल पर और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा राउट्स, इसको क्लिक करना है और यहाँ पर क्रिएट एड्रेस। सो मैं यहाँ पर एक ईमेल आईडी को क्रिएट करता हूँ, फॉर एग्जांपल info@makemyprojects.dev। सो सेंड टू, मैं सेंड करता हूँ सुशांत कुरडेकर 18@gmail.com। ठीक है, सो मैंने ऑलरेडी इसका 2-step वेरिफिकेशन को एनेबल कर दिया था, राइट। सो मैं इसको सेव कर देता हूँ। सो सेव करते ही एक वेरिफिकेशन ईमेल आपको इस ईमेल आईडी पर सेंड हो जाएगा, उसको आपको वेरीफाई करना है। सो मैं ईमेल पर जाता हूँ, को मैं फ़िलहाल क्लोज़ कर देता हूँ और ऑलरेडी मेरा ओपन है और मेरा पासवर्ड भी अवेलेबल है। सो मैं ईमेल पर जाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरीफाई ईमेल राउटिंग एड्रेस। सो इसको मैं वेरीफाई कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं योर ईमेल एड्रेस इज़ नाउ वेरीफाइड। ठीक है फ्रेंड्स, सो मैं वापस क्लाउडफ्लावर पर आता हूँ, DNS मैनेजमेंट, और यहाँ पर पेंडिंग वेरिफिकेशन है, मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ साइट को। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईमेल राउटिंग प्रोपगेट हो चुका है और यहाँ पर ऐड हो चुका है। ओके, सो इसको टेस्ट करने के लिए मैं एक मेल को सेंड करूँगा। सो इसके लिए मैं यहाँ पर सुशांत कुरडेकर 18@gmail.com, नॉट दिस ईमेल आईडी। ओके, मुझे ईमेल आईडी लिखना है info@makemyprojects.dev। ठीक है, इसको मुझे एक टेस्ट ईमेल भेजना है। सो टेस्ट हेलो, ओके, सो इसको मैं सेंड कर देता हूँ। इट शुड बी सेंड हो चुका है। सो इसको मुझे वेरीफाई करना है ईमेल आया है कि नहीं करके। सो मैं यहाँ पर चला जाता हूँ क्लाउडफ्लावर। सो इनबॉक्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ईमेल आईडी पर ईमेल सक्सेसफुली वर्क हो रहा है। ओके, सो फिलहाल मैं इसको मैं रिप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि ये ऑलरेडी परफेक्टली सेटअप नहीं हुआ है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको जाना है सेटिंग्स पर और यहाँ पर सी ऑल सेटिंग्स। ओके, इसको आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट्स एंड इंपोर्ट, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सेंड मेल एज, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन है एड अनदर ईमेल एड्रेस, राइट। तो इसको आपको क्लिक करना है। यहाँ पर एक विंडो ओपन होगा और यहाँ पर आपको आपका ईमेल आईडी को ऐड करना है। सो मैं नेम रख देता हूँ मेक माय प्रोजेक्ट्स और मैं ईमेल आईडी दे देता हूँ info@makemyprojects.dev।
projects.dev. Okay, make my projects.dev. So treat as an aliases. So मैं इसको next कर देता हूँ. So after that ये पूछ रहा है कि SMTP server. So इसको enter करेंगे SMTP. smtp.gmail.com. ये सारे credential मैं इस वीडियो के description पर डाल दूंगा. सो आप इसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है फ्रेंड्स. सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर यूज़र नेम को एंटर करना है. यूज़र नेम है आपका जीमेल आईडी का, यूज़र नेम को यहाँ पर एंटर करना है. ओके, ये इम्पोर्टेंट स्टेप है. सो इसके लिए मैं सुशांत कुरडेकर 18@gmail.com. और पासवर्ड क्या डालना है, पासवर्ड डालना है. मैंने ऑलरेडी वहाँ पर एक कॉपी करके रखा हुआ था. सो इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ. सो मैं यहाँ पर आप जाता हूँ, इसे कॉपी करते हैं. और आपको जाना है यहाँ पर, आपको पेस्ट करना है. ठीक है फ्रेंड्स. और सिक्योर कनेक्शन यूजिंग TLS इज रिकमेंडेड. देन ऐड अकाउंट पर क्लिक करते हैं. देन यहाँ पर आपको एंटर वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पर एंटर करना है जो आपको ईमेल पर आया होगा. राइट. सो मैं यहाँ पर ईमेल पर जाता हूँ और मैं इनबॉक्स पर क्लिक करता हूँ. यहाँ पर आपको ईमेल वेरिफिकेशन आ चुका है. इसको आपको कॉपी करना है कंफर्मेशन कोड को. और आपको जाना है ईमेल कंफर्मेशन मैसेज पर और यहाँ पर आपको पेस्ट करना है वेरीफाई. क्लिक ऑन वेरीफाई. सो ये सक्सेसफुली आपका विंडो क्लोज हो चुका है और आपका ईमेल आईडी सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है. इसको वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर से सेटिंग गियर आइकॉन पर क्लिक करना है. सी ऑल सेटिंग्स देन अकाउंट्स एंड इम्पोर्ट्स. यहाँ पर आप देख सकते हैं info@makemyprojects.dev. सो इसको आपको टेस्ट करने के लिए मैं फिर से यहाँ पर इनबॉक्स पर जाता हूँ और यहाँ पर ऑलरेडी मेरा टेस्ट हेलो का एक ईमेल आया हुआ था. इसको मैं रिप्लाई कर देता हूँ. सो रिप्लाई. यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक सुशांत कुलडेकर 18@gmail.com और एक ऑप्शन है यहाँ पर info@makemyprojects.dev. यूजिंग दिस मैं इसको मैं हेलो करके रिप्लाई करूँगा. ओके. सो मैं यहाँ पर सेंड कर देता हूँ. ये फिलहाल सेंड नहीं हो रहा है. सो इसको हम ट्रबल शूट करेंगे. सो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर मैं एक बार चेक कर देता हूँ. सो इसको आपको क्लोज करना है. ओके, डन करना है. सो मैं यहाँ पर डन कर देता हूँ. सो डन करते ही ये हमारा वर्क हो जाएगा. ओके. सो मैं यहाँ पर टेस्ट पर जाता हूँ और यहाँ पर और एक बार रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ. यूजिंग दिस देन हेलो हाय इट्स वर्किंग. ओके. सेंडिंग मैसेज सेंड. राइट. तो ईमेल तो सेंड हो चुका है. यहाँ पर मुझे और एक जीमेल आईडी पर चेक करेंगे. यहाँ पर आप देख सकते हैं मेक माई प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर मेरा रिप्लाई आ चुका है मेरे कस्टम प्रोफेशनल आईडी से. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं info@makemyprojects.dev via gmail. सो फिगर आउट करेंगे कि इसको हम कैसे हटाएंगे इधर. सो आने वाले वीडियोस में हम ट्राई करेंगे इसको निकालने के लिए, देखेंगे. सो मेहरबानी जीमेल की तरफ से है. ओके. सो हम अभी नेक्स्ट क्या करेंगे कि इसको हम फिल्टर में ऐड कर देंगे क्योंकि हमारा एक ऑर्गेनाइज्ड ईमेल बना रहा है. ओके. सो इसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर गियर आइकॉन पर क्लिक करना है. सी ऑल सेटिंग्स देन आपको यहाँ पर अकाउंट्स एंड इम्पोर्ट्स और यहाँ पर आपको और एक ऑप्शन मिलेगा व्हेन रिप्लाइंग टू ए मैसेज. ओके. सो रिप्लाई फ्रॉम द ईमेल एड्रेस द मैसेज वाज सेंट. लाइक अगर आपका ईमेल कहीं से आया है सो इसको रिप्लाई करने के टाइम आपका कस्टम डोमेन से ही रिप्लाई जाना चाहिए. सो इसके लिए आपको इसको सेलेक्ट करना है
और नेक्स्ट आपको क्लिक करना है फिल्टर्स एंड ब्लॉक्ड एड्रेसेस। ओके, सो मैं यहाँ पर एक नया फिल्टर क्रिएट कर देता हूँ टू इन्फो एट मेक माई प्रोजेक्ट्स डॉट डेव। सो मैं यहाँ पर क्रिएट फिल्टर पर क्लिक कर देता हूँ और अप्लाई एज अ लेबल एज ए न्यू लेबल। सो मैं नाम रख देता हूँ इन्फो एट द रेट मेक माई प्रोजेक्ट्स डॉट डेव। सो मैं क्रिएट कर देता हूँ लेबल और अल्सो अप्लाई टू मैचिंग कन्वर्जेशन। सो क्रिएट फिल्टर, सो लेबल यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। सो मैं इनबॉक्स पर जाता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कोई भी ईमेल यहाँ पर आएगा तो इसको लेबल मिल जाएगा कि इन्फो एट मेक माई प्रोजेक्ट्स डॉट डेव। सो आपका एक लेबल भी क्रिएट हो चुका है और आपका कस्टम बिजनेस ईमेल भी ऑर्गेनाइज हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, सो इस तरह आपका बिजनेस ईमेल को सेटअप कर सकते हैं। सो सेम प्रोसेस को आप फॉलो करें और अपना खुद का बिजनेस ईमेल को आप सेटअप कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और इस वीडियो में इतना ही। और इसी तरह आप मल्टीपल कस्टम ईमेल एड्रेस को आप क्रिएट कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, आपको यहाँ पर जाना है क्लाउडफ्लावर पर और यहाँ पर SMS info at makemyprojects.dev यहाँ पर और एक क्रिएट एड्रेस भी क्रिएट कर सकते हैं लाइक support@makemyprojects.dev सेंड टू आपका सेम प्रोसेस। सो इसी तरह आप मल्टीपल ईमेल IDs को क्रिएट कर सकते हैं अपने बिजनेस और या डोमेन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, सो इस वीडियो इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिए और हो सके तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।